Assalamualaikum class, welcome to your fourth lecture in Principles of Management. Today's topic is manager's environment, और, um, this is Chapter Three of your book in Robbins. Next is the two views of management environment. First thing, which we discuss, environmental discussion. there are two views of what management environment means. One omnipotent view, and one symbolic view. अमिनीपटेंट व्यू से मुराद है कि जी मैनेजर जो है वो जिम्मेदार है ऑर्गेनाइजेशन में जो सक्सेस है जो फेलियर है कामयाबी के लिए भी वही ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा कोई भी चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर फेल होती है वो भी उसी की ज़िम्मेदारी है सो so, जो लफ्ज़ है ये ऑमिनीपटेंट इसका मतलब है कि जी ला महदूद क़त है या पावर है मैनेजर के पास डिसीजन लेने के लिए तो इसलिए इसको अमिनेपटेंट व्यू कहा जाता है और दूसरा जो उसका अपोजिट व्यू है वो है सिम्बोलिक व्यू कि मैनेजर जो है वो सिर्फ सिम्बोलिकली कई फैसले करता है लेकिन जो असल में फैक्टर्स उसको इन्फ्लुंस करते हैं वो उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं एक्सटर्नल इन्वामेंटल फैक्टर्स तो ज़ाहिर सी बात है जो असल सिचुएशन होती है वो इन दोनों एक्सट्रीम व्यूज़ के दरमियान होती है ना मैनेजर अमिनिपटेंट होता है ना वो सिम्बलिक होता है कुछ चीज़ों में मैनेजर है पावर इन समिसजन उसके तो उसकी अथॉरटी से बाहर कई चीज़ें होती हैं कई फैक्टर्स होते हैं ओवरऑल मैनेजमेंट में इन्वामेंट को जो हम स्टडी करते हैं जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में होते हैं उनको हम माइक्रो फैक्टर्स कहते हैं और जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं उनको हम माइक्रो फैक्टर्स कहते हैं और अक्सर जो फैक्टर्स कंट्रोल से बाहर होते हैं उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहते हैं सो फर्स्ट यू विल डिस्कस एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें देर आर थ्री मेन पॉइंट्स डेमोग्राफिक्स जनरेशनल फैक्टर्स और मैक्रो फैक्टर्स डेमस क्योंकि सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो मैक्रो नहीं होते हैं कुछ कंट्रोल में भी होते हैं मैनेजर के मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर कोई थ्रेट्स भी हैं मार्केट में कंपेटर से उनको आप इन्फ्लुंस कर सकते हैं मर्जर्स या एक्विशन के जरिए तो वो इसलिए हम उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स तो कहेंगे लेकिन देर नाट मैक्रो फैक्टर्स मैक्रो फैक्टर्स में हम आगे पेस्टल एनालिसिस डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट इस डेमोग्राफिक्स

हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स उनको ऑफर करें डिफरेंट प्राइस रेंजेस ऑफर करें तो मैनेजर्स को अक्सर उस चीज़ को पहले स्टडी करना पड़ता है सो दैट इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर वैन स्टडियंग योर कस्टमर्स उसके बाद है जनरेशनल फैक्टर्स जो कि एक्सटेंशन है इसी पॉइंट की डेमोग्राफिक्स की लेकिन इसमें जनरेशनल बेसिस पर आप सेगमेंट्स बनाते हैं देर आर फोर मेन जनरेशनल सेगमेंट्स आजकल के दौर में एज के लिहाज से जो सीनियर मोस्ट हमारे हैं कस्टमर्स कह रहे हैं ओवरऑल आबादी uh, को अगर स्टडी कर रहे हैं एज एन एक्सटर्नल फैक्टर उनको हम कहते हैं जी बूमर्स बी डब्लो एम ई आर्स ये वो लोग हैं जो कि 1946 और 1964 के दरमियान पैदा हुए हैं उसके बाद 1965 से लेकर 1978 तक या 1977 कुछ बुक्स में लिखा है ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कोई पैदा हुआ है बिटवीन 65 एंड 77 उनको हम कहते हैं जी जनरेशन एक्स जो लोग 78 एट Uh, से ले 2000 तक 2000 तक पैदा हुए ड्यूरिंग दैट टाइम उनको हम कहते हैं जी जनरेशन वाई या ज़्यादा जो पॉपुलर नाम है आजकल वो है मिलेनियल्स और उसके बाद जो 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं दे आर कॉल्ड पोस्ट मिलेनियल्स या जनरेशन जेड भी इनको कहा जाता है सो दीज़ आर द फोर मेन कैटेगरीज जो कि स्टडी की जाती है क्योंकि हर जनरेशन जो होती है उनकी बाइंग बिहेवियर फ़र्क होता है हर जनरेशन जो है दे वैल्यू डिफरेंट थिंग्स तो कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं नीड्स वांट्स और डिमांड्स के हैं नीड्स जो होती हैं आपकी लिमिटेड होती हैं डिफाइंड होती हैं बेसिक नीड्स जैसे फूड शेल्टर क्लोदिंग है लेकिन उनको सेटिसफाई करने के जो ऑप्शनज uh, होती हैं जो ख्वाहिशात होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं उनको हम वांट्स कहते हैं तो ज़रूरियात जो हैं वो नीड्स हैं और जो ख्वाहिशात हैं वो वांट्स हैं लेकिन वांट्स के ऊपर एक चीज जो है वो, वो लिमिटेशन होती है वो है बाइंग पावर कि आप अपनी वांट को सेटिसफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते डू यू हैव द परचेसिंग पावर टू सेटिसफाई द वांट जैसे नीड तो है फूड लेकिन वॉन्ट्स में किस तरह का खाना यू कैन हैव चाइनीज यू कैन हैव देसी फूड यू कैन हैव ओरिएंटल तो रिक्वायरमेंट जो है वो उसको अगर सेटिसफाई कर सकते हैं तो देट इज़ दैन कॉल्ड डिमांड मीनंग प्लस परचेसिंग पावर इज कॉल्ड डिमांड तो इन फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है अक्रॉस जनरेशन हर जनरेशन जो है वो डिफरेंट चीज़ें चाहती कुछ जनरेशन ज़्यादा लॉयल हैं कुछ जो है वो वेरायटी सीकिंग बिहेवियर शो करती हैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं Um, जो फॉर एग्जांपल मिलेनियल्स हैं वो एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं लाइक एक्सपीरियंसेस रादर रेन पोजेशंस तो वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना जो है वो तो इसलिए ब्रांड्स अपने आप को एज एक्सपीरियंस ब्रांड्स ज़्यादा जो है वो प्रमोट करते हैं कि एक्जैक्टली exactly क्या फीलिंग है या क्या ब्रांड की पर्सनैलिटी है क्योंकि लोग जो है अपनी पर्सनैलिटी को मैच करते हैं विद द ब्रांड पर्सनैलिटी और ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं जनरेशन uh, जो भरी है मिलेनियल्स वाली वो ज़्यादा सहूलत भी पसंद करते हैं कन्वीनियंस ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग जो है दैट इज़ अ बिग फैक्टर तो डिफरेंट हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बूमर्स फॉर एग्जांपल बहुत लॉयल होते हैं ब्रांड लॉयल ज़्यादा होते हैं बूमर्स उनके पास परचेसिंग पावर भी ज़्यादा है मलेल से सो फॉर फिर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि कंसिडर करने पड़ते हैं एक मैनेजर को और इन चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि एक मैनेजर के कंट्रोल से बाहर है तो दिस इज़ एक्चुअली मोर क्लोज टू जो हम सिम्बॉलिक व्यू हम डिस्कस करते हैं ये ज़्यादा उसके अंडर आते हैं फिर है जी मैक्रो फैक्टर्स डैमसेल्स जिनको हम अंडर पेस्टल डिस्कस करते हैं ये वो 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 फैक्टर्स जो कम्प्लीटली आपके कंट्रोल से बाहर है क्योंकि जनरेशनल फैक्टर्स या डेमोग्राफिक्स में कुछ हद तक आप फॉर एग्जांपल प्रमोशनल कैम्पेन्स के जरिए असरअंदाज कर सकते हैं बाइंग बिहेवियर थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं कम अज़ कम उनका जो एटीट्यूड है रवैया जो होता है अबाउट एनी प्रोडक्ट और सर्विस वो सतई लेवल पर जो उनका एक ओपिनियन है अबाउट अ प्रोडक्ट वो पॉजिटिव या नेगेटिव फेवरेबल या अनफेवरेबल हो सकती है उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बट अदर फैक्टर जो डीपर होते हैं वैल्यूज़ एंड बिलीव्स उनको हम चेंज नहीं कर सकते और ये चीज़ें पेस्टल में आएँगी um, पेस्टल में uh, क्या पॉइंट्स होते हैं जी वी विल डिस्कस वन बाय वन सो व्हाट इज़ पेस्टल एनालिसिस पेस्टल स्टैंड्स फ़ॉर फर्स्ट ऑफ ऑल पी स्टैंड फॉर पोलिटिकल स्टेबिलिटी ई स्टैंड फ़ॉर एक्नॉमिक स्टेबिलिटी एस स्टैंड फ़ॉर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स टी स्टैंड फ़ॉर टेक्नोलॉजिकल एल स्टैंडल और जो सेकेंड ई e है डेट स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल या एकोलॉजिकल फैक्टर्स अब ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कम्प्लीटली एक मैनेजर के कंट्रोल से बाहर है तो इन फैक्टर्स के मुताबिक उसको ख़ुद चेंज होना पड़ेगा या ऑर्गनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा उसके बिजनेस प्लान को मोल्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स जिस मुल्क में जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो पहला पॉइंट को क्या है जी पोलिटिकल स्टेबलिटी जो मुल्क में सियासी सचुएशन होती है वो मैनेजर के एक आम मैनेजर के कंट्रोल से बाहर होती है उसमें फैक्टर्स किस तरह के हो सकते हैं फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी लिखा हुआ है टैक्सेशन पॉलिसीज तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट बजट बनाती है फिस्कल पॉलिसी बना रही है प्राइस सीलिंग प्राइस लिस्ट जो होती हैं प्राइस फ्लोर प्राइस सीलिंग ये चीज़ें गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का लाज़ लिखा हुआ है कि मुल्क में चेंज तो आएगा पोलिटिकल चेंज होगा हुकूमत चेंज होगी लेकिन कितने स्टेबल अंदाज से हो रही है हुकूमत चेंज मीनिंग के उसको करना आसान है कि नहीं किसी मैनेजर के लिए वो जहाँ पर पॉलिटिक्स में जो भी पार्टी इलेक्ट हुई है अपनी अगर वो टर्म पूरी कर रही है वहाँ पर हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि फाइव इयर्स का टेन ओवर होगा या फोर इयर्स का होगा जो टर्म उसकी है गवर्नमेंट की वो पूरा करेगी तो उसको पता है मैनेजर को कि जी जो पॉलिसीज़ एक गवर्नमेंट ने बनाई हैं वो कम अज़ कम अगले पाँच साल तक नाफज़ होंगी उसके मुताबिक वो ख़ुद भी फाइव ईयर प्लान बना सकता है जो भी सी ई ओ है टॉप मैनेजमेंट जो बंदा बैठा है उसके लिए फोरकास्टिंग आसान हो जाएगी क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि ये गवर्नमेंट छः माह बाद चेंज नहीं हो जाएगी या साल बाद चेंज नहीं हो जाएगी तो जहाँ पर ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना मुश्किल होता है कॉन्फिडेंस नहीं होता मैनेजर को कि जी अगर चार साल का प्लान बनाएं या पाँच साल का तो वो हम अप्लाई कर भी सकेंगे नहीं क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो ऐसी बात है अपनी पॉलिसीज़ लेकर आएगी पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रद्द कर देगी अगर किसी एक इंडस्ट्री में कोई टैक्स सब्सिडी दी गई है टैक्स की माफ़ी है और वो अगर अगली गवर्नमेंट आती है तो वो वो टैक्सेस या ड्यूटीज जो हैं वो जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने माफ़ की थी वो ख़त्म कर दी थी पॉलिसी तो ऑबिस ये इफेक्ट करेगा नेगेटिवली उस इंडस्ट्री को या उन कंपनीज को जो कि उस इंडस्ट्री में फिर अच्छी नेक्स्ट पॉइंट इकनॉमिक स्टेबिलिटी इकनॉमिक स्टेबिलिटी मीनस कि जो पॉलिसीज आपका सेंट्रल बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे है वो बना रहा जो पॉलिसी उसको मानिट्री पॉलिसी कहते हैं वो कितनी प्रोडिक्टबल है और कितने स्टेबल तरीके से चेंज हो रही है मेन पॉइंट जिसमें इन्फ्लेशन है और इंटरेस्ट रेट है इन्फ्लेशन को मुल्क में जो प्राइसेस का बढ़ना और बढ़ते चले जाना इंक्रीजिंग प्राइसेस इन अ कंट्री उसको कंट्रोल जो है वो स्टेट बैंक करता है ऑल सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन और वो किस तरह से करते हैं अमूमन वो इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके करते हैं सो दीज़ आर फैक्टर्स जो कि मॉनिट्री पॉलिसी में वो डिसाइड करता है स्टेट बैंक और इंटरेस्ट uh, रेट्स के जरिए कैसे कंट्रोल होता है जी इन्फ्लेशन को कुछ हद तक बढ़ने देना जो है वो अच्छा होता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राइस अगर बढ़ रही हैं तो और लोग जो हैं वो जो ताजर कम्यूनिटी होगी जो बिजनेस कम्यूनिटी है वो करना चाहेंगे इन्वेस्ट डिफरेंट सेक्टर्स में उसको फर्दर इंक्रीज़ करने के लिए इन्फ्लेशन को अप टू अ सर्टेन पॉइंट क्योंकि ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो जैसी बात है इज़ नॉट गुड डबल डिजिट इन्फ्लेशन ही होनी चाहिए टेन परसेंट या अबव इन्फ्लेशन जो है वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है सो वॉट स्टेट बैंक वुड डू एज के जी वो एक हद तक बढ़ने देंगे सिक्स परसेंट तक या सेवन परसेंट तक इन्फ्लेशन बढ़ने देंगे ताकि मुल्क में तरक्की हो इकनॉमिक डिवेलपमेंट हो ज़्यादा बिजनेस खुलें जब बिजनेस ज़्यादा खुलते हैं तो बाइंग पावर ज्यादा बढ़ती है लोगों की जॉब क्रिएशन होती है दे कंट्रोल इन्फ्लेशन जूसिंग इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि इंटरस्ट रेट्स जो हैं वो डिफाइन करता है स्टेट बैंक इफ दे वांट वो कह सकते हैं जी इंटरेस्ट रेट्स कम कर दें कमर्शल लोन्स पर बैंक कमर्शल बैंक को सो वंस दैट इज डिसाइडेड कमर्शियल लोन्स पर इंटरेस्ट रेट जब कम होगा मोर बिजनस मैन विल टेक लोन्स ज़्यादा बिजनेस खुलेंगे ज़्यादा बिजनेस जब खुलेंगे तो ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगी लोगों की जो बाइंग पावर है वो बढ़ेगी ओवरऑल मुल्क में जो बात है उसकी बाइंग पावर बढ़ेगी और ये असूल है मनी एंड बैंकिंग का कि जी जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं दे स्पेंड मोर मनी ऑन थिंग्स ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी से कहते हैं जब वो ज्यादा चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं प्राइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हैं अकॉर्डिंग टू के इकोनॉमिक्स इकनॉमिक्स थ्योरी के जी जब भी uh, मुल्क में ओवरऑल इनकम लेवल बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है एक हद तक बढ़ेगी प्राइस ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी ज़्यादा बिजनेस ओपन होंगे क्योंकि देर इज़ ग्रेटर प्रॉफिट मार्जिन एक हद तक बढ़ देगा स्टेट बैंक उसको उसके बाद वो उसको कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन को बाई इंक्रीजिंग इंट्रस्ट रेट्स जब इंट्रस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं कमर्शल लोन्स पर लोग कम लोन्स लेते हैं कॉम्पटिशन प्राइस पर होता है प्राइस गिरती हैं ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स लीड टू लेसर इन्फ्लेशन कुछ हद तक गिरने देंगे गिरते चले जाए अगर डिफ्लेशन अगर हो जाएगा प्राइसेस गिरती चले जाएं वो भी अच्छा नहीं है लिक्विडिटी की डिमांड बढ़ जाती है लोगों की लोग पैसा अपने पास रखते हैं बैंक में नहीं रखते इन्वेस्टमेंट नहीं करते उसकी दैट इज़ ऑलसो नॉट गुड तो इसको कंट्रोल कर, किया जाता है दोनों एंड्स पर दोनों एक्स्ट्रीम्स पर नहीं जाना दे देते इट इज़ गुड टू कीप इट अराउंड सिक्स सेवन परसेंट इन्फ्लेशन को अब ये जो उतार चढ़ाव है इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिहाज से ये कितना प्रडिक्टेबल है जितना प्रडक्टेबल होगा जितना स्टेबल है उतना अच्छा है एक मैनेजर के लिए ज़्यादा ईजिली वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है जितना अनस्टेबल है इसका उतार चढ़ाव इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट्स का उतना उसके लिए मुश्किल है लॉन्ग टर्म प्लान बनाना तो ये भी चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर है बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि स्टेट बैंक डिसाइड करता है ओके जी नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स एक मुल्क के अंदर जो मज़हब है जुबान जो बोली जाती है वैल्यूज ट्रेडिशन कल्चरल इवेंट्स हॉलीडेज इन चीज़ों को कभी भी कोई बिजनेस चैलेंज नहीं करेगा चाहे लोकल बिजनेस है या कोई फॉरेन बिजनेस आके पाकिस्तान में ऑपरेट करे खास तौर तो पर फॉरेन बिजनेस उनको इन चीज़ों के मुताबिक ढलना होगा अगर मैगान्स पाकिस्तान में आया है तो उन्हें हलाल प्रोडक्ट्स सेल करने हैं दे विल नॉट सेल हैम सैंडविचेज़ेज़ज फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंडिया गए हैं तो वहाँ पर वो दे विल हैव अ वेजिटेरियन मेन्यू और वो इतना हाईलाइट नहीं करेंगे बफ प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल आई थिंक दे स्टिल सेल दम लेकिन वो उसको इश्हार में इतना हाईलाइट नहीं करते तो वो कल्चरल फैक्टर्स को बहुत कंसिडर करना पड़ता है लैंग्वेज को कंसिडर करना पड़ता है जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है मुल्क में उसी में इश्तहार बनाए जाएंगे या इट विल भी वन ऑफ द लैंग्वेज़ टैगलाइन उसके लिहाज से चेंज करनी पड़ेगी तो लोकल कल्चर को हमेशा हाईलाइट किया जाता है इन प्रमोशनल एंड ये इन चीज़ों को uh, हम कंसिडर करते हैं मैक्रो फैक्टर्स एक्सटर्नल मैक्रो फैक्टर्स उसके मुताबिक एक बिजनेस को ढलना पड़ता है नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड रेट ऑफ अडोपन टेक्नोलॉजी जो है दो तरह से असरअंदाज करती है एक मैनेजर को एक तो है कि जी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है टेक्नोलॉजी का उसको मीट करना है कम अज़ कम यू हैव टू मैंटेन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मशीनरी के लिहाज से एम आई एस के लिहाज से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिहाज से जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना पड़ता है अदरवाइज ऑर्गनाइजेशन जो है वो पीछे रह जाती हैं इनकी कई क्लासिक मिसालें हैं जैसे नोकिया जो था वो मार्केट लीडर था फोनस में पीछे रह गया बिकॉज स्मार्टफोन्स में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया सैमसंग आगे निकल गया एप्पल you know, निकल गया विद आई और जब उन्होंने अपना बनाया स्मार्टफोन एट वू लेट देट नो लॉन्गर वर इंडस्ट्री लीडर्स उसके अलावा जैसे कोडेक की मिसाल है फिल्म डेवलपमेंट और फोटोग्राफी में दे वर लीडर्स लेकिन कैनन और सोनी ने डिजिटल फोटोग्राफी में इन्वेस्टमेंट की और कोडेक ने नहीं की फॉर दैट रीज़न दे स्टेट बैक तो जो इनोवेशन होती हैं एक तो ख़ुद डेवलप करना जो मार्केट लीडर्स होते हैं वो मोहून खुद ही डेवलप कर रहे होते हैं जो भी नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है लेकिन बाकियों को अप टू डेट रहना पड़ता है अदरवाइज दे स्टे बैक जैसे पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सफ़र कर रही है बिकॉज जो पावर रूम यूज़ हो रही हैं अमूमन वो दे आर नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इस वजह से पीछे रह गए थोड़े उसके बाद रेट ऑफ अडोपन के जो टेक्नोलॉजी अगर बहुत अहमियत की हामिल है इन केस ऑफ कस्टमर्स के आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और वो लोग वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या उससे फेमिलियर हैं कि नहीं अब जैसे सेल फोन्स कॉमन हैं तो जो एप्स इस्तेमाल हो रही हैं जैसे क्रीम है क्रीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जी लोग कितना ईजिली एप्स डाउनलोड करके उनको यूज़ करेंगे बिकॉज देयर होल बिजनेस मॉडल डिपेंड्स ऑन इट रेट ऑफ अडोप्शन कितनी है लोगों में तो उसको उसकी बेस पर इन्होंने किया कि जी सेल फोन यूजेज बहुत है इंटरनेट यूजेज बहुत है इन द कंट्री सो इट इज़ इनफ टू जस्टिफाई कि जी हम अपना बिजनेस लॉन्च करें लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो लोग अडॉप्ट नहीं करते तो वहाँ पे आपको इतना डेवलपमेंट नज़र नहीं आती जैसे सोलर से पावर जो है सोलर पैनल्स एज आ टेक्नोलॉजी तो बहुत देर से एग्जिस्ट करती है लेकिन उसको उसकी रेट ऑफ अडोपशन बहुत स्लो है तो ये फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं उसके बाद है जी लीगल फैक्टर्स लॉ जो क्या कहता है मुल्क का जो कानून है कंज्यूमर लॉज लेबर लॉज इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज कंज्यूमर लॉ से मरादा है जितने भी कंज्यूमर से रिलेटेड हैं अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं खाने पीने की अशिया बना रहे हैं तो मुजर सेहत ना हो यू हैव टू मैंशन न्यूट्रिशनल फैक्ट्स इन्ग्रीडियंट्स तो ये चीज़ें आपको पैकेजिंग पर मेशन करनी पड़ती फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ना करें गलत बयानी ना करें इश्हार में जैसे वॉल्स के ऊपर केस हुआ था कि जो अपने आपको आइसक्रीम कहते हैं इश्तहार में इवन दो इट्स नॉट एन आइसक्रीम जो प्रॉपर डेफिनेशन है ऑफ एन आइसक्रीम कि इट हैज टू बी डेरी बेस्ड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होता है तो फिर उसको आइसक्रीम कह सकते हैं लेकिन उसमें वेजिटेबल फ़ैट जो है वो मेन इन्ग्रीडियंट है इसलिए उसको फ्रोजन डेज़र्ट वो कह सकते हैं लेकिन आइसक्रीम नहीं कह सकते और उनकी पैकेजिंग के ऊपर भी लोकेटेड डजन मेंशन के वो आइसक्रीम है सो फ्रोजन डेज़र्ट ही लिखा होता है और इश्तेहारात में मेंशन नहीं कर सकते सो यू कैन नॉट मिसलीड कस्टमर्स कस्टमर्स खुद केस कर सकते हैं कंज्यूम कोर्ट्स में या आपके कंपटेटर्स केस कर सकते हैं कि ये गलत बयानी कर रहे हैं फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं फिर है लेबर लॉज मुल्क के अंदर जो है um, वाटर वाटर लेबर लॉज के जी एनअल लीवस के लिहाज से मिनिमम एज ऑफ वर्कर कितनी हो सकती है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड इशूज़ जो हैं मिनिमम वेज कितनी पे कर सकते हैं ये तमाम फैक्टर्स हैं जी लेबर लॉज के अंदर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी लॉज हैं किसी को इस फैक्टर की बेस पर आप जो है वो अनफेयरली ट्रीट नहीं कर सकते जो उसके कंट्रोल से बाहर है जैसे जेंडर डिस्क्रमिनेशन या एज डिस्क्रमिनेशन या किसी किसी की फिजिकल डिसबिलिटी और वो ऑफिस जब के लिए कंसडर ना किया जाए बेशक उसके पास एक्सपीरियंस है या क्वालिफ़िकेशन है तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो लेबर लॉज में आते हैं फिर है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आईपी लॉ अगर आपके कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं टैग हैं लोगोज़ हैं उनको आप प्रोटेक्शन देते हैं लीगल ताकि कोई कॉपी ना कर सके आपका नाम या लोगो या टैग या प्रोडक्ट का डिज़ाइन टेक्नोलॉजी नाम लोगो जो है टैग जो है वो ट्रेड मार्क्स में आता है ट्रेड मार्क लॉ जो है पाकिस्तान में दस साल तक के लिए आपके पास ट्रेडमार्क होता है फिर आप रिन्यू करवा सकते हैं पेटेंट्स जो होते हैं वो अमूा कोई आपकी ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर वो आप पेटेंट लेते हैं वो पाकिस्तान में बीस साल तक दे सकते हैं उसके बाद वो पेटेंट जो एक्सपायर हो जाता है पब्लिक हो जाता है पब्लिक एक्सेस में आता है दैन देर इज़ कापीराइट जो क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर होता है अगर आपको कोई ऐड के अंदर कोई जिंगल चल रहा है सॉन्ग चल रहा है तो वो कॉपीराइट आप करवा सकते हैं रिसर्च आर्टिकल्स या रिसर्च आपने कोई भी करवाई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने किया है वो कापी राइट में आ जाती है उसके अलावा कोई भी मूवी या बुक्स या म्यूज़िक इन जनरल कंपनी अगर ओन करती है तो वो कापी राइट लॉ में आती है जो भी औरिजिनल ऑथर होता है उस काम का उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए वो होता है कापी में प्लस उसके मरने के बाद पचास साल बाद तक उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कापी क्लेम कर सकते हैं तो अगर कॉपीराइट नहीं भी है लेकिन कॉपीराइट लॉ के बारे में पता होना चाहिए जैसे यूट्यूब चैनल्स अक्सर कॉपीराइट क्लेम्स की वजह से बंद हो जाते हैं इफ़ दे प्ले या सॉन्ग जो कि औरिजिनल ओनर जो है वो क्लेम करे उसको हैव टू टेक इट डाउन या रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है तो ट्रेडमार्क्स पेटेंट्स और कॉपीराइट्स और कंपनीज को आप ज़्यादा दे सकते हैं इस्तेमाल करना वो लाइसेंसिंग डील्स होती हैं उनमें आप अलाउ करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग डील्स होती हैं डिपेंड यह भी करता है कि मुल्क में अगर ये तरह के लॉज हैं भी सही और अगर हैं तो कितने स्ट्रिक्टलीफोर्स होते हैं जैसे चाइना में इन्फोर्स नहीं होते यू कैन ऑलसो आर्ग्यू कि पाकिस्तान में इन्फोर्स नहीं होतेटली बट डिपेंड्स के वहाँ पर कितना उसको इंपॉर्टेंस दी जाती फिर environmental है फिर है जी इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वायरमेंट में वेदर और क्लाइमेट आ जाते हैं नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स हो सकते हैं अर्थ हो सकते हैं कुछ मालिक में सैलाब ज़्यादा आते हैं कुछ में जल्जले ज़्यादा आते हैं अब ये फैक्टर्स आपको इन्फ्लुंस कर सकते हैं आपकी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकते हैं अर्थ कोएक्स तो खैर आप मैनुफैक्चरिंग uh, प्लांट्स या वेयर हाउस लिटरली आपके एसड्स इस तरह के जो हैं वो uh, मलबे में कन्वर्ट हो सकते हैं सो यू हैव टू गेट इंश्योरेंस ठीक है जी अर्थक्विक इंश्योरेंस या नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा डिफरेंस होता है जी क्लाइमेट जैसे बागस मुल्तान का क्लाइमेट जो है वो गर्म क्लाइमेट है ज़्यादातर साल में गर्मी पड़ती है वेदर मीन जो डेली बेसिस पर जो वेदर होता है सो दीज आर इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स एनी वेरी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट इन एक्सटर्नल इन्वास दैट अफेक्ट मैनेजर्स वो किस तरह से वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो के असरअाज़ होते हैं सो फर्स्ट इस जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट जैसी बात है जब हायरिंग की जा रही होती तब ज़्यादातर डेमोग्राफिक्स को स्टडी किया जाता है और जनरेशनल uh, फैक्टर्स को भी देखा जाएगा एंड ऑल्सो अदर फैक्टर्स सच एज पेस्टल के सब तमाम चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को असेसिंग अनसर्टनटी so जो कि हमने अभी बात की थी कि जी जितना अनस्टेबल होगा एक मुल्क पोलिटिकली एक्नॉमिकली उतना जो है अनसर्टनटी वहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा रिस्क इन्वाल्व होगा डिसीजन मेकिंग के अंदर और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुनसलिक होते हैं एक आर्गनाइजेशन के साथ उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं जैसे इंप्लॉइज़ हैं कस्टमर्स हैं यूनियंस लेबर यूनियंस सोशल एंड पोलिटिकल एक्शन ग्रुप्स एन जी ओज़ भी हो सकती हैं या गवर्नमेंट के दायरे हो सकते हैं कंपेरटर्स शेयर होल्डर्स आप पब्लिक कंपनी अगर है तो उसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स होंगे क्योंकि वो प्रॉफिट शेयरिंग उनको हम वी शेयर प्रॉफिट विद दैम ओवरऑल कम्यूनिटीज़ क्योंकि जनरल पब्लिक भी आपकी स्टेक होल्डर होती है अकॉर्डिंग टू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडिया के जी आप सिर्फ मुल्क सिर्फ अपने लिए आप अच्छा ना करें मुल्क के लिए भी कोई ना कोई चीज़ अच्छी करें सप्लायर्स मीडिया ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएट्स जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर्स आ जाते हैं सो दीज आर ऑल स्टेक होल्डर्स कम्पेरेटर्स भी होते हैं क्योंकि आप कंपटीशन के साथ मिलकर भी कई चीज़ें कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं जैसे टोयोटा और जीएम वाले कर रहे हैं इकट्ठे न्यू फ्यूल सोर्सेज के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं एक्वायर कर सकते हैं मर्जर्स कर सकते हैं सो यू कैन वर्क विद कंपेटर्स एज वेल ओके जी सो नेक्स्ट इज़ इन इंटरनल इन्वामेंट वो सर पार्ट टू में डिस्कस करेंगे